बीते दिनों बहुमंजिलों आवे निर्मित ट्विन टावर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डायनामाइट विस्फोटक की मदद से गिराकर निस्तानबूत कर दिया गया। विस्फोटक के धमाके से आसपास के मनुष्य तथा जानवरों को हार्ट अटैक का खतरा भी बना हुआ था, जिसको देखते हुए सुपरटेक में रहने वाले कुछ परिवारों ने परवाह एनजीओ से संपर्क किया। परवाह एनजीओ पिछले 8 वर्षों से लगातार सड़क के किनारे रहने वाले पशु और पक्षियों के लिए खाने और इलाज की व्यवस्था करती है। ट्विन टावर के पास के कुछ डॉग फीडर्स ने परवाह एनजीओ से संपर्क किया, जिसके बाद परवाह एनजीओ की टीम ट्विन टावर पहुंची और टावर के आसपास रहने वाले सभी कुत्तों की जिंदगी बचाने के लिए लगभग 40 से 45 कुत्तों को रेस्क्यू करने की योजना बनाई गई। इस रेस्क्यू को अंजाम देने में काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। सभी कुत्तों को रेस्क्यू करने के लिए पूरे 3 दिन और 4 पूरी रातें लग गई। पूरी टीम लगातार कुत्तों के रेस्क्यू करने के लिए मशक्कत करती रही। तब जाकर जिस दिन ट्विन टावर ध्वस्त होना था, उस दिन सुबह 9 बजे के आसपास सभी कुत्तों को रेस्क्यू कर उनके लोकेशन के हिसाब से चिन्हित करके किया गया। 6 दिनों तक कुत्तों की परवाह एनजीओ के वेदा हाउस में रखा गया, जहां इनके खाने पीने और उनके इलाज की सुविधा के साथ कुत्तों की देखभाल भी की गई। जब ट्विन टावर को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया गया तो उसके बाद 31 अगस्त को परवाह एनजीओ की टीम ने सभी कुत्तों को वापस उनके चिन्हित दिए गए स्थान पर लाकर खुले वातावरण में सफलतापूर्वक मुक्त यानी कि रिलीज कर दिया। कुत्तों के रेस्क्यू और रिलीज करने के दौरान परवाह एनजीओ की टीम तथा वहां के फीडर्स और कुछ वॉलंटियर मौजूद रहे। मेरा नाम अभिनव सचर है, मैं सुपरटेक एमएल कोर्ट का रेजिडेंट जी। क्या कहना चाहेंगे जो आज जिस तरह से आप लोग डॉग पे काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये एक्चुअली बहुत अच्छा लगा कि किसी ने लाइक एनिमल्स के लिए भी हेल्प करी है, क्योंकि ह्यूमंस को तो देखो, इंसानों को तो पता था क्या होने वाला है, जानवरों को बेचारों को पता नहीं था, ये सब उन्हीं का घर है। तो ट्विन टावर टूटने के वजह से डॉग का रेस्क्यू किया गया, फिर आज उनको छोड़ दिया गया, किन लोगों ने इसमें रेस्क्यू में सहयोग किया? देखिए, किस तरीके से रेस्क्यू किया गया? परवा एनजीओ है जिनके साथ हमने कोऑर्डिनेट किया है, उन्होंने ना कि सिर्फ मेरी सोसाइटी के जो कि अराउंड 7 डॉग्स हैं, बल्कि नियर बाय एरिया के मोर देन 35 डॉग्स एंड कैट्स रेस्क्यू किए गए हैं, एंड उन्होंने उनको बोर्डिंग में रखा एंड पूरी देखभाल किया है, एंड कोई हमारे को 1% भी, अब मैं आज मेरे कुत्ते यहाँ पे आए हैं वापस हमारी सोसाइटी के, तो ऐसा 1% भी नहीं लग रहा कि इनमें कुछ कमी रही हो इनकी सेवा में या इनके लिए कुछ हो। और ये सब काम बिना किसी पैसे लिए अपने सिर्फ दिल से करने के लिए, आई थिंक वो चीज़ बहुत बड़ी बात थी हम लोगों के लिए। ये आप लोगों के पर्सनल कुत्ते थे या ये सोसाइटी के कुत्ते? हमारे सोसाइटी के हैं, हमारे सोसाइटी के रेजिडेंट्स इनको भी प्यार करते हैं, इनका अलग से फीडिंग एरिया भी बना हुआ है, तो हमारी सोसाइटी के ही हैं, इनको पट्टे भी बंधे हुए हैं, इनकी वैक्सीनेशन पूरी है, स्टरलाइजेशन हम लोगों ने कराई है, तो पूरा टेक केयर हमारी सोसाइटी करती है। क्या कहेंगे मैम आप इस डॉग की रेस्क्यू के बारे में? आई एम अमेज्ड दैट दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब एंड आई थिंक वी ऑल डिड इट टुगेदर एज अ टीम एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दे आर बैक होम। कुछ आप लोगों को ये भी दबा गया है कि कई सारे जो डॉग हैं उस मलबा में दब गया है, ऐसा भी है क्या? देखिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, बहुत मशक्कत लगी है कि हम लोग एक दिन पहले भी मैं तो खैर फिर भी घर आ गया तो मेरे को घर खाली करना था, परवा एनजीओ वाले पूरी रात लगे हुए थे, कोशिश कर रहे थे सबसे कोऑर्डिनेट करके, बट हमारे हिसाब से कोई भी ऐसा एनिमल नहीं होगा, कोई भी कुत्ता ऐसा नहीं होगा जो उस टावर में बचा हो, क्योंकि हमने उससे पहले ही जितने भी थे वहाँ के आसपास के एरिया के या ट्विन टावर के आसपास के सब निकलवा लिए थे उन लोगों ने, तो ऐसा कोई हमारे को उम्मीद नहीं है कि कोई अंदर होगा। और आपने आज मीडिया वाले को हम लोगों जैसे बुलाया, इसका एक उद्देश्य था कि आपने मतलब एयरवेन पर काम कर रहे हैं, और भी कुछ करना है लोगों से तो बताएं। देखिए, होता क्या है ना कि मदद हम लोगों की सबने करी है, ठीक है, इंसानों के लिए सबने मदद की है, हमारी साइड बगल वाली सोसाइटीज़ ने हमारी बहुत मदद की है, बट जिन लोगों ने इन जानवरों की मदद की है, जिन बेजुबानों की मदद की है, जो बता नहीं सकते उनको क्या पता कि क्या हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ये पता लगना चाहिए लोगों को कि यहाँ पे लोगों ने अपने दिल खोले हैं, ना कि इंसानों के लिए जानवरों के लिए भी, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा जरूरी है, तो एक कम्बाइंड एफर्ट था, सबके लिए एफर्ट था, जान बची तो वो ज़्यादा जरूरी है सब चीज़ों से। सो पहले तो मैं बता देती हूँ, मेरा नाम कामना है और हमने 25 अगस्त को यहाँ से अराउंड 25 डॉग्स को रेस्क्यू किया था। तो मैं दिल्ली से आई थी, मैं सेरिया से नहीं हूँ, बट मुझे पता चला था यहाँ पे अराउंड 40 डॉग्स को रेस्क्यू करना है, उसके लिए हेल्प चाहिए, तो मैं एज अ वॉलंटियर आई थी। तो हम लोग अपने साथ खाना पानी ये सब लेके आए थे, क्योंकि डॉग्स के लिए बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस होता है, वो डर रहे थे, तो उनको पकड़ने में उनको कम्फर्टेबल कराने में वो परेशानियाँ आती हैं। तो हम यहाँ पे कुछ 10-12 लोग थे, कुछ NGOs भी थी, हमने मिलके उन डॉग्स को पहले कंफर्टेबल कराया, उनको खाना पानी खिलाया, फिर उनको पकड़वा के उनको वैन्स में डालने की मदद करी। तो ऐसे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था जिसमें हमने मिलके इन सारे डॉग्स को यहाँ से पहुँचा के फिर बोर्डिंग भिजवाया था। तो मैं एक वॉलंटियर थी जो यहाँ आके हेल्प की थी। आज कितने डॉग को रिलीज किया यहाँ पे? आज मेरे हिसाब से 20 के आसपास तो रिलीज हो चुके हैं हमारे सामने, अभी और आने का प्लान। नहीं, बहुत ही अच्छा लगा, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे सर का, जो एनजीओ चला रहे हैं, इंसानों के तो सब लोगों को फिक्र थी,
इन लोगों ने सभी डॉगी को यहाँ से टाइमली रेस्क्यू करा गया, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती थी। इतना बड़ा दोस्तीकरण जो हुआ है तो कहीं ना कहीं उनको जरूर प्रॉब्लम होती। उसकी बारूद की जो स्मेल थी वो अभी तक लोगों को इफेक्ट कर रही है, सांस लेने में लोगों को तकलीफ है, तो उन सबको तो जाहिर सी बात है तकलीफ होती होती। बहुत बहुत शुक्रिया इन भैयों का जो इतनी मेहनत इन्होंने करी, उनको सेफ यहाँ से रेस्क्यू करा और टाइमली लाके छोड़ भी दिया, वो सभी स्वस्थ हैं। मैं सानिया हूँ, मैं 18 साल की हूँ। मैं यहाँ पे अराउंड 80 कुत्तों को रोज खाना खिलाती हूँ, उसमें से जो 40 कुत्ते हैं वो यहाँ पे रहते थे सुपरटेक के ट्विन टावर्स के सराउंडिंग एरियाज में। तो अभी फिर हमने इसीलिए, बिकॉज मैं हर कुत्ते को जानती हूँ, तो इसलिए हम लोगों ने साथ में मिलके, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, उसके बाद ये सारे वॉलंटियर्स इकट्ठा हुए और उसके बाद फिर हमने मिलके इनका रेस्क्यू प्लान करा था ताकि इनको ट्विन टावर्स से अफेक्ट ना हो कुछ भी। हमने यहाँ से 45 प्लस डॉग्स रेस्क्यू करे हैं, क्योंकि जो डॉग्स हैं, क्योंकि मैं उन्हें जानती हूँ, मैं उनकी मेडिकल केयर भी उसका ध्यान भी मैं ही रखती हूँ, तो काफ़ी उनमें से जो है वो 8 प्लस ईयर्स के हैं, वो बूढ़े बूढ़े डॉग्स हैं, तो उनको इसके ब्लास्ट की आवाज़ से हार्ट अटैक भी आ सकता था। तो इसलिए सिर्फ ट्विन टावर्स ही नहीं, उसके आस पास के एरिया से भी हमने जिन जिन डॉग्स को उस आवाज़ से हार्ट अटैक की भी एक दिक्कत हो सकती थी, वहाँ तक के डॉग्स को हमने 800 मीटर्स तक की रेंज में सबको हमने हटा दिया था।